आगे देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे हाँ राजस्थान के बारे में कि वहां पे राजस्थान में कैसे घर बनते हैं। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान जो है रेगिस्तानी एरिया होता है, क्षेत्र होता है, तो यहाँ यस पे जो मैम, घर बनते हैं मिट्टी के बनते हैं। यहाँ की दीवार जो बनाई जाती है घरों की वो मिट्टी की होती है, और जो छत होती है घास की होती है। मिट्टी की वजह से घर ठंडा होता है। यस, क्योंकि मिट्टी का जो घर होता है ठंडा होता है, बारिश तो वहां पे होती नहीं है, तो इसलिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं ताकि वहां पे लोगों को ठंड लगे, ठीक है, ठंडी महसूस हो। यस मैम, यस मैम, चलिए आगे देखते, यस कौन मैम। पढ़ रहा था यहाँ पे, रीडिंग कौन कर रहा था अभी? मैम हम, अभिनव को बोला गया था ना पढ़ने के लिए, तो यस मैम, मैम ये पढ़िए अभिनव को अभिनव बोला बेटा। गया था। हाँ मैम कर रहे हैं, हाँ पढ़िए अभिनव बेटा, माइक ऑन करिए बेटा। आप लोग का क्लास थर्ड में पढ़ोगे यार? मैं सेकंड में भी पढ़ूंगा। यस सेकेंड में क्लास, थर्ड का क्लास है ना, आप तो क्लास थर्ड में पढ़ रहे हो, मैम, तो आप अब से क्लास थर्ड में पढ़ोगे आप? यस मैम, मैं सेकंड ओके ठीक है, ओके से थर्ड में चला गया। ठीक है, चलो पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? आप पढ़ना नहीं अभिनव आपको, चलिए किसी और से बोलते पढ़ने के लिए। परी परी राजस्थान इज क्यूट क्यूट नहीं द ऑफ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, क्वाइट लिखा हुआ, क्यूट नहीं, क्वाइट। क्वाइट द अपोजिट इट लिंस इन दैट मिस नहीं, नॉर्थ लाइज, विस लाइज मिस लेटा हुआ, लाइज। लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज अ ड्राई एंड हॉट डिजर्ट स्टेट डेजर्ट, एंड डूस डेजर्ट, मैम सब डेजर्ट लोग नहीं आए हैं, अब नहीं आए हैं तो क्लास डेजर्ट छोड़ रहे हैं क्या? स्टेट एंड उनको लोग डूज लेक्चर नहीं दिए, नॉट नहीं पढ़ना होगा उनको। रिसीव मच रेन सो हाउसेस इन द रूरल क्या क्या पढ़ रही है, चलिए हम पढ़ते हैं, क्या बाद में पढ़ना, अरियस स्टॉप करिए बेटा, भाई अरियस बंद करिए। मैम। ओके, राजस्थान इज क्वाइट द अपोजिट, क्वाइट मीन्स होता है सर्वथा, क्वाइट मीन्स क्या होता है बेटा? थोड़ा सा सर्वथा। ओके, तो राजस्थान क्या होता है? राजस्थान इज क्वाइट द अपोजिट, ये शब्द द अपोजिट होता है, मीन्स किसका अपोजिट? ये असम का अपोजिट होता है, मीन्स असम में तेज बारिश होती है लेकिन राजस्थान में बारिश होती ही नहीं है, ठीक है, अपोजिट है ना बेटा? तो यहाँ पे देखिए, असम में बारिश होती है लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं होती है। इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अभी आपने देखा जो असम है वो कहाँ पे है बेटा? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मीन भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में नॉर्थ है, लेकिन राजस्थान जो है वो कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मीन भारत के पूर्वी उत्तरी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग में है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी। नॉर्थ ईस्ट मीन्स होगा उत्तरी पूर्वी, एंड नॉर्थ वेस्टर्न मीन्स होता है उत्तरी पश्चिमी, आ सको समझ में? यस मैम, तो आपका राजस्थान जो है यस वो कहाँ पे मैम, पड़ता है, किस दिशा में पड़ता है? नॉर्थ एंड वेस्टर्न के बीच में, ठीक है, मीन्स नॉर्थ उत्तर और एंड पश्चिम के बीच में बीच है। में। जैसे आपका ये नॉर्थ असम जो कहाँ पे था, उत्तर एंड पूर्व के बीच में है, लेकिन ये आपका जो राजस्थान है वो उत्तर एंड पश्चिम के बीच में है, नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में, उत्तरी पूर्वी भाग में है, कहाँ के? भारत के, आ सबको समझ में? यस नॉर्थ मैम, वेस्टर्न मीन उत्तरी यस पश्चिमी भाग मैम, में है, सॉरी यहाँ पे हमने पूर्वी बोल दिया था, ये आपका राजस्थान जो है उत्तरी पूर्वी भाग में है, असम जो है उत्तरी पूर्वी भाग में है, राजस्थान जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में है। इट इज अ ड्राई एंड हॉट डेजर्ट स्टेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राजस्थान है इट इज ड्राई या सूखा होता है, एंड हॉट डेजर्ट स्टेट, और गर्म रेगिस्तान का वाला राज्य है, ठीक है, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, स्टेट मीन्स राज्य, हॉट मीन्स गर्म, ड्राई मीन्स सूखा, या जो एक सूखा गर्म रेगिस्तान वाला राज्य है, ठीक है, आपका जो राजस्थान है,
एंड डस नॉट रिसीव मच रेन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है, ये ज्यादा बारिश प्राप्त नहीं करते हैं। राजस्थान आपके स्टेट है, ये ज्यादा बारिश प्राप्त नहीं करते हैं। सो हाउसेज इन द रूरल एरिया, यहाँ पे जो घर घर बनाए जाते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, रूरल मीन्स होता है ग्रामीण एरिया मीन्स क्षेत्र, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र होते हैं यहाँ के घर जो होते हैं कहाँ के, राजस्थान के, हाई थिक वॉल्स, यहाँ की जो दीवार होती है मोटी होती है, थिक मीन्स मोटा, वॉल मीन्स दीवार, यहाँ की दीवारें जो होती है मैं मोटी होती मोटा, है। वॉल यस मतलब दीवाल। ओके। मेड अप मड किससे बनी होती है, मेड ऑफ मड, जो कि मड मीन्स मिट्टी, जो मिट्टी से बनी होती है, टू कीप देम कूल, उनको ठंडा रखने के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए, यहाँ की दीवार जो होती है मोटी होती है और मिट्टी से बनी होती और है। मिट्टी की होती है। यस बेटा गुड। द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेस आर मेड अप ब्रांचेस ऑफ स्ट्रा, यहाँ की छतें होती है, जो रूफ्स है, जो छत होती है, किसकी बनी होती है, आर मेड अप ब्रांचेस, शाखाओं से बनी होती है, किसकी शाखा, ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा मीन्स घास या तिनका होता है, ठीक है, घास एंड घास तिनकों की शाखाओं से मिलके बनी होती हैं, सूखी पत्तियों से मिला के बनी होती हैं, जो इनकी छत होती है, किसकी, जो राजस्थान के जो घर होते हैं, सबको आया समझ में। मैम, सूखी पत्ती की, मैम सूखी यस बेटा पत्ती की और मोटी मैम दीवार की। ओके। तो अभी रहा ये राजस्थान के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश का घर कैसा होता यस मैम, है, चलिए रीड करिए। हर्षित, बहुत अच्छा होता है। हर्षित पढ़िए बेटा। इसलिए इसलिए हर्षित चलो आप ही रीड करिए बेटा, अभी हर्षित को आवाज नहीं जा रही है। हिमाचल प्रदेश लाइज इन अ नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडियन एंड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्नोफॉल। द हाउसेस हियर हैव वुडन फ्लोरिंग, द रूफ्स ऑफ द हाउसेस आर स्लोप्ड टू अलाउ स्नो टू स्लाइड डाउन। ओके बेटा स्टॉप। हिमाचल प्रदेश लाई इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है बेटा, ये भारत के दक्षिण पश्चिम नहीं इंडिया में उत्तरी भाग में है, नॉर्थ में होता है उत्तरी, तो भारत के उत्तरी भाग में है, ठीक है। क्या आप, जो हिमाचल प्रदेश होता है ये भारत के उत्तरी भाग में होता है, किस भाग में होता है, यस नॉर्थ ईस्ट मैम उत्तरी। उत्तरी, तो भारत के उत्तरी भाग में होता है हिमाचल प्रदेश। देन एंड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्नोफॉल, अभी आपने देखा असम को किसका एक्सपीरियंस करना पड़ता है, किसका अनुभव करना पड़ता है, रेनफॉल का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल मीन्स होता है बर्फबारी, बर्फ गिरना, बर्फ की बारिश होना, यहाँ पे बर्फ गिरता है, ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे देखिए ज्यादा क्या होता है बेटा, मैम बर्फ बस में गिरता है। खेलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। यस बेटा। द हाउसेस हियर हैव वुडन फ्लोरिंग, तो यहाँ के जो हाउस जो घर होते हैं यहाँ पे क्या होता है, वुडन फ्लोर, यहाँ की जो फर्श होती है लकड़ी की होती है, किसकी फर्श होती है बेटा, लकड़ी लकड़ी की फर्श होती है, वुडन मीन्स लकड़ी होता है, तो यहाँ पे लकड़ी की फर्श बनाई जाती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के घरों में। द रूफ्स ऑफ द हाउसेस आर स्लोप्ड, यहाँ की छत होती है स्लोप्ड होती है, मीन्स ढलाऊ यहाँ पे भी होता है, स्लोप ऐसे बोलेंगे इसको भी, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे सभी को, टू अलाउ स्नो टू यस मैम। स्लाइड डाउन, जो कि ताकि यहाँ पे जो बर्फ गिरता है वो आसानी से नीचे आ जाए, ठीक है, छत के नीचे से, नीचे से आसानी से नीचे गिर जाए, जो अब बर्फ वहां पे गिरता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, सबको आया समझ में, हिमाचल प्रदेश होते हैं यहाँ पे ज्यादा यस मैम बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ के जो घर होते हैं उसकी जो फर्श होती है वो लकड़ी की बनी होती है, और छत जो है वो ढालू होते हैं ताकि जो बर्फ ऊपर गिरे आसानी से नीचे आ जाए। देन यहाँ पे देखिए क्या राइट है, इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मैम इंडिया,
भारत के साउथ में सब दक्षिण होता है, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या पड़ता है? भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा स्टेट पड़ता है बेटा? दक्षिण पश्चिम भाग में केरल, केरला बोलते हैं, केरल। ओके, तो यहाँ पे केरल कहाँ पे पड़ता है? भारत के साउथ में दक्षिण होता है, वेस्टर्न मीन्स पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम भाग में पड़ता है क्या? केरल, जो केरला होता है, ठीक है। इट इज क्लोज टू द सी एंड हैज अ ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ देखिए क्या है, इट इज क्लोज टू द सी, क्योंकि यहाँ पे इस किसके नजदीक होता है? सी मीन समुद्र होता है, तो यदि ये समुद्र की ज्यादा क्लोज होता, मैम पास में होता नदी है, नदी नदी नहीं, सी मीन समुद्र होता है, तो यह जो है समुद्र के पास होता है, जो केरल राज्य होता है। और यहाँ की जब जलवायु होती है कैसी होती है? नमी युक्त होती है, यहाँ के जलवायु में नमी होता है, अब इनमें होता है नमी, यहाँ की जलवायु में नमी होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पे ज्यादा नमी तो होती होगी ना, तो यहाँ की यस जो मैम। जलवायु होती है नमी वाली होती है, ठंडी ज्यादा होती है वहां की जलवायु। देन ट्रेडिशनल हाउसेस, यहाँ पे जो पारंपरिक, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक होता है, हाउसेस मीन्स घर, यहाँ के जो घरें होती हैं, जो पारंपरिक घर होती है, हियर आर वेरी एरियाई हैव मेनी डोर्स एंड विंडोज फॉर वेंटिलेशन, मीन्स होता है आपका, बोल सकते हैं हवा, हवा का आगमन, संवातन मीन्स हवा का आना जाना, उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ के जो घर होते हैं, इस बहुत ही इसमें जो डोर होते हैं, विंडो होती है, बहुत विंडो में ज्यादा अच्छे से हवा अंदर आती है, विंडो के द्वारा जो हवा होती है वो अंदर आती है घर में, मैम ठीक है। तो हवा यहाँ पे जो वातावरण, वो आपका आवागमन होता है, वो उसका वायु का सही से होता है, उस हवा आती भी अच्छे से अंदर और बाहर भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो बने होते हैं वहां से हवा अंदर अच्छे से प्रवेश कर सकती है। दे हैव स्लोपिंग टाइल रूफ, यहाँ पे जो रूफ होती है, छत होती है, स्लोपिंग होती है, ढालू वालू होती है, टाइल, जिसमें टाइल लगे होते हैं, टाइल पता ही है क्या होते हैं ना, टाइल। यस मैम। ओके, मैम विथ मेरे घर पे भी पिरल्स, टाइल्स लगा है। हाँ बेटा लगा हुआ है, और यहाँ पे टाइल्स लगे होते हैं छत पे, और पिरल भी खंभे लगे होते हैं बड़े बड़े, टू सपोर्ट देम, इनको सहारा देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो घर बने होते हैं इसके ऊपर पिलर्स लगे होते हैं रूफ को सहारा देने के लिए। सबको आया समझ में? यस यस, मैम। ओके बेटा, तो इसे आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे, ओके। okay? यस मैम। यस हाँ बेटा, बोलो, कुछ पूछना किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क देख लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ हाउस विल यू बिल्ड ऑन अ माउंटेन दैट रिसीव हैवी स्नोफॉल? कर नहीं पाओगे, हम बाद में समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ हाउस विल यू बिल्ड, किस प्रकार के हाउस आप बनाओगे? कहाँ पे? ऑन अ माउंटेन, पर्वतों पर, दैट रिसीव हैवी स्नोफॉल, जहां पे ज्यादा बर्फबारी होती है, माउंटेन जो पर्वत होते हैं, पता ही आप सभी को, ज्यादा मैम बर्फबारी होती है, तो यहाँ पे आप किस प्रकार के हाउस बनाओगे? इग्लो इग्लू बनाओगे? अभी यहाँ पे आपने देखा कहाँ पे? यहाँ पे आपने देखा अभी हिमाचल प्रदेश में घर कैसे बनते हैं? हिमाचल प्रदेश में जो फर्श होती है लकड़ी की मैम होती है, जो मैम फर्श होती है लकड़ी चाहे की होती ढलान है, और छत जो होते हैं वो स्लोप्ड होते हैं, सेम ऐसे हाउस बनेगा वहां पे, यहाँ पे माउंटेन पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सेम ऐसे ही घर यहाँ भी बनेगा, ठीक है। जिस कहा से बाद में करवाएंगे, टाइम ओवर हो गया बेटा, अब जो भी पढ़ाया गया आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे, और यस वर्ड मैम। मीनिंग राइट कर लेंगे, सेंड कर देंगे, जिसने वर्ड मीनिंग नहीं राइट किया है राइट करके सेंड कर देंगे, ओके। आपने मैम वर्ल्ड मीनिंग शेयर कर दीजिए। सेंड नहीं किया था? मैं सेंड तो किया था बेटा, चलिए फिर से सेंड कर देते हैं अभी, ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पढ़ने के लिए
हाँ, बिल्डिंग मेटेरियल्स एंड बिल्डर्स, यहाँ पे भवन निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगती है और उसको बनाने वाले कौन कौन होते हैं, ठीक है, बिल्डर्स कौन कौन है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन में। ओके ओके बेटा, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय, मैम गुड गुड बाय, बाय बेटा, गुड बाय। मैम गुड बाय।